अब तक आपने देखा? देख, वो सांप तो किसी को डसा नहीं, लेकिन ये सांप हमको डसने आ रहा है। सोनी, सोनी बहुत जोर से चीखी है। सोनी क्या? पिंटू, 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 सोनी क्या हुआ? सांप को किसी का पता लगाना है। श्रावणी। श्रावणी? हाँ भाई, जो बस के पास दिखी थी, पता करो वो रहती कहाँ है। अब देखिए आगे। प्रियोम के बस कांड की वजह से ना सब लेट हो गया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब क्या पटना घूमने जाएंगे? 8 बजे के बाद तो निकलना भी अलाउड नहीं है। अरे यार, सब अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है। चलो चलो, जाके ना वार्डन को बताते। क्या हुआ, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पहनना है। इतना टाइम नहीं है, कुछ भी पहनो और जल्दी से नीचे आ जाओ। जाने दीजिए ना, हमने पटना शहर पहले कभी भी नहीं देखा। जाने दीजिए ना मैम, प्लीज 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। नो मींस नो। 8 बजे के बाद यहाँ ना कोई एंट्री मिलती है और ना ही एग्जिट। सॉरी नंदा मैडम, आप रिक्वेस्ट कीजिए ना। जो रूल है सो है, हम कैसे कुछ कह सकते हैं। ऐसे तुम हमें रिश्वत दे रहे हो? ये रिश्वत नहीं मैडम, तोहफा है। आपकी उस नेकी के लिए जो आप इन लड़कियों पर दिखाने वाले। जरा देखिए इनके मासूम चेहरों को। ये लड़कियां पटना पहली बार आई हैं अकेली, और लाइफ में ये मौका इन्हें दोबारा शायद कभी नहीं मिलेगा। याद कीजिए मैडम, आप भी कभी ना कभी इनकी ही उम्र की रही होंगी। आपने भी कभी थोड़ा सा जीने के लिए कोई ना कोई रूल तोड़ना चाहा होगा। चाहा था ना? याद आ गया ना फ्लैशबैक? और तब आपके सामने आप ही के जैसा कोई आकर खड़ा हो गया होगा और आपको कहा होगा कि नहीं ये रूल्स है, कहा था ना, और आपको रोक लिया गया होगा। आपके सपने टूटे होंगे और आपको तकलीफ भी हुई होगी, हुई थी ना? तो मैडम, जिस तकलीफ से आप गुजरी हैं वही तकलीफ इन लड़कियों को क्यों देना चाहती हैं आप? जी लेने दीजिए ना थोड़ा सा, आपके हिस्से की भी खुशी। लेकिन रात में अकेली लड़कियां, उसकी जिम्मेदारी प्रियोम फुलन ठाकुर की है। मजाल है कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी देख पाए हमारे होते हुए। गारंटी है जी, हम साथ जा रहे हैं। जी हमारे हिस्से की जिंदगी जीने जा रही हैं लड़कियां, इन पर ही खर्च कर देना।
अरे अब तुम सब यहीं खड़ी रहोगी या पटना में कुछ धूम लड़ाका करने का भी विचार है? चलो 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 चलो, चलो। बाहर नहीं जा सकते, सब पता नहीं क्या बोलेंगे। चिंकू क्या हो गया? सारे कपड़े इसके अंदर है, आपको भी अभी बंद होना था, अब हम क्या करें? क्या हुआ? तुम अंदर कैसे? बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्यों? कपड़े तो पहनी हो ना? हाँ, पर हम तुम्हारे सामने ऐसे बाहर नहीं आ सकते। बाहर जाओ तुम। अरे राम! अच्छी खासी तो लग रही हो, प्रॉब्लम क्या है? हाँ चलो बाहर जल्दी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते, सब पता नहीं क्या सोचेंगे। हम बताते हैं। खुद को एक बार हमारी नजरों से भी देख लो। बहुत सुंदर लग रहे हो मिस पूनम कुमारी, इतनी सुंदर कि पटना में जैसे बिजली गिर जाए, और हमारे दिल पर तो गिर ही चुकी है। मन की बात बताएं तुम्हें एकदम सच, पूनम हमको तुमसे प्यार होने लगा है। क्या लगा है अब तो समझो हो ही गया। I love you, I love you. तमाशा बनाकर रख दिया पूरे बेगूसराय में। अरे जिसे देखो एक ही सवाल, लाखन और पूनम का शादी काहे के लिए टूट गया? अरे किस किस का मुंह बंद करे अपने ठकुराए के दम पर? लोग तो यही सोचेंगे ना कि सारा खोट हमरे बेटे लाखन में ही है। ये कौन सी आवाज है? कहां से आ रही है आवाज?
बेल्ट दो। अरे काहे दे बेल्ट? खिलाए पिलाए के जवान इसलिए किए थे कि बेल्ट से मार मार के खून निकालो अपना। बह जाने दो ये खून। काहे बह जाने दे बेटा? तू मत काहे का? देखो तू का हालत किया। छूना मत। अपने आप को सजा दे रहे हैं हम। किस बात की सजा बेटा? अरे क्या कहा है तूने? पूनम कुमारी पे कंट्रोल नहीं कर पाया, इस बात की सजा। बिना हमसे पूछे स्कूल तक नहीं जाती थी और आज अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पटना गई। दो दिन के लिए पूछना तो दूर, बताना तक जरूरी नहीं समझा उन्होंने हमको। और ये बात हमको हमारे आदमी से पता चलती है। वो हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को हम आदमी के सामने दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत तकलीफ हुआ हमको अम्मा, बहुत तकलीफ। लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ हमको अभी हो रहा है कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए खुद को दे रहे हैं सजा। अपने बदन पर हम इस जख्म को छाप देना चाहते हैं कि हम ये दर्द कभी ना भूलें, कभी ना भूलें वो दर्द जो हमको बड़े पापा ने दिया। पूनम को हमसे छीन कर ये जख्म हमको याद दिलाते रहेंगे हमेशा अम्मा कि हमको पूनम को हासिल करना है, कुछ भी करना पड़े। तुम जाओ। अरे मजाक कर रहे हैं बेवकूफ। अरे यार अपनी शक्ल तो देखो, जैसे जैसे चेहरे पर बर्फ जम गई हो। अरे जोक कर रहे थे, मजाक मजाक। ऐसे कोई मजाक करता है किसी से? तुम बाहर जाओ, हम चेंज करके आते हैं। एक मिनट, अगर वो प्यार वाली बात को अगर साइड में रखकर कहें तो सुंदर तो तुम लग रही हो। बिल्कुल वैसे जैसे बिल्कुल आगे भी बोल दो, बिल्कुल बंदरिया जैसी। अरे अपनी नाक तो देखो, जब गुस्सा आता है तो ऐसे फूक जाती है। और आंखें देखो, जैसे कंचे की गोटिया, किसी भी वक्त जैसे बाहर निकलकर गिर जाएंगी। और बाल एकदम चुड़ैल स्टाइल। अरे इस सबको देखकर आदमी सिर्फ डर सकता है, प्यार नहीं कर सकता। हम अभी डराते थे। अरे डर लगता है हमसे? अरे मजाक कर रहा हूँ, अरे जोकिंग यार। अरे पकड़ो पकड़ो, पकड़ के दिखाओ। अरे बचाओ। अंदर तो बड़ा कह रही थी कि हम ये सब पहन के बाहर कैसे आएंगे। लो ले आना बाहर जींस में। देखो ना आसमान नीचे गिरा है और ना धरती फटी है, सब कुछ नॉर्मल है। वाह पूनम, बहुत सूट कर रहे हैं तुम पे ये कपड़े। हमेशा ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती हो तुम? इसे तो हम FB पर डालेंगे। नहीं वैसे
अगर तुम अब भी कपड़े बदलना चाहती हो तो हम तुम्हारे बैग का जिप ठीक कर सकते हैं। अब चलो चलो, अब डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है। हाँ चलो ना, मार्केट जाएंगे। हाँ आज शॉपिंग भी करेंगे, पर अब तक तो मार्केट बंद हो गया होगा ना। फिर हमने कभी सिनेमा थिएटर में फिल्म नहीं देखी। तो ठीक है, आज हम पूनम कुमारी को फिल्म दिखा के रहेंगे और उसके बाद चाट पार्टी करेंगे। अरे एक मिनट, पहले ये तो पूछ लें कि कौन सी फिल्म देखेंगी, किक देखें या फिर पूनम कुमारी की फेवरेट घर द्वार। शुक्र है भगवान का, हमारे पिंटू को कुछ नहीं हुआ। हाँ बिंदिया तो भगवान का दूध बनकर आ गई, सारा जहर पी लिया और पिंटू की जान बच गई। कितनी अजीब बात है ना जीजी, इसी बिंदिया का मिथिलेश के साथ। फिर इसी की वजह से भाई भाई में बंदूक निकल गई और फिर इसी ने चूना की खबर हम तक पहुंचाकर हम सब की जान बचा ली। और आज तो कमाल हो गया, अपनी जान की परवाह किए बगैर सारा जहर पी लिया उसने। जीजी हमें लगता है हर इंसान में ना कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी रहती है। हमारे ख्याल से बिंदिया का सबसे बड़ा दोष उसका पेशा है। अगर उसे भी एक मौका दिया जाए ना तो वो भी हम आपकी तरह जिंदगी जी सकती है। जीजी एक बात कहे, हमारे ख्याल से जब तक बिंदिया पूरी तरह ठीक नहीं होती उसे यही हवेली में रखा जाए। कहा है ना, यहाँ उसका इलाज ठीक से हो जाएगा। इतना तो हम कर सकते हैं ना जीजी। ठीक है, इस बिंदिया के बारे में तो अब सोचना ही होगा। देखा कुंगरू, हम फिर से ये हवेली में जगह बना ली, वो भी इज्जत से, सबकी मर्जी से। हम एक कदम और करीब आ गए हैं अपने मंजिल से। अब हम हवेली में आ गए ना, अब देखना हमारा असली तमाशा तो अब शुरू होगा। माधव बोला, अरे कहां गए सबके सब? क्या हुआ मिथिलेश, सब ठीक ठाक तो है? पापा वो सुबह 15 लाख रुपया भिजवाना था मिनिस्टर साहब को, तो ये सब घट गया तो भिजवा नहीं पाए, तुरंत भिजवाते। अरे कहां है? तो ये मिनिस्टर साहब को दे देना जाके, सुबह कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला है, बहुत अर्जेंट है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, भोला को लेके जाना साथ में। आते हैं।
ठीक है।